यहाँ पे है ये शिवलिंग, अराउंड 20 फीट इसकी हाइट होगी। लाल चाय भी बनाओगे? सो अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट में मैंने खाया है ऑमलेट, ब्लैक टी और साथ में ऑर्गेनिक ब्राउन राइस, वो भी फ्राइड। मज़ा आ गया, मतलब कि टेस्ट लाजवाब था। यहीं पे सारी ये राइस की क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है वो। और बाकी आज का प्लान कुछ ऐसा है कि अभी भैया बाहर गए हुए हैं, जो आपने पिछले वाले व्लॉग में दो स्टूडेंट देखे होंगे भैया के, वो एक आयरलैंड से आए हुए थे जो कि PhD के अपने थीसिस लिख रहे थे यहाँ पे, और दूसरे एक फिल्म मेकर थे जो कि एडिटर थे, फिल्म मेकर थे, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वो करते हैं। आज उनको यहाँ से जाना है तो आज भैया उनको छोड़ने गए हैं। उसके बाद भैया बताएंगे आज कहाँ कहाँ पे घूमना है, क्या क्या एक्सप्लोर करना है, भैया सारी चीज़ें एक्सप्लोर कराएंगे। और भैया यहाँ के मेन टूर गाइड भी हैं और यहाँ के मेन रिसर्चर भी हैं, जो कि अभी रेप्टाइल्स पे और ड्रैगन फ्लाइज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। फोटोग्राफर भी हैं और आप पता नहीं ट्राइब के, कल्चर के, रिलीजन के मेन बंदे जो कि उस सारी चीज़ें जानते हैं, यहाँ की हर एक गली, हर एक चप्पा चप्पा, वो भैया है। तो बस इतना ही सब कुछ बताना था मेरे को। बाकी अभी भैया आएंगे तो फिर आगे का सारा प्लान डिस्कस करते हैं और फिर एक्सप्लोर करते हैं ज़ीरो वैली, अरुणाचल प्रदेश। ओके, सो प्लान में अभी थोड़ा सा चेंज है, भैया आज बिजी हैं, वहाँ से अभी तक नहीं आ पाए हैं। तो भैया का जो बेटा है छोटा वाला, वो आज मेरे को घुमाएगा। भैया ने उसको सारा का सारा बता दिया कि ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ पे लेके जाना है, तो जो भी होगा वो सारा अब उनके साथ चल रहा हूँ मैं। वो आ गया और सारा सामान मैंने अभी पैक कर लिया और फटाफट से अब यहाँ से निकलते हैं। चले तो पहले कहाँ पे चर्च जाना है? चर्च लेफ्ट इधर, तो सबसे पहले हम जा रहे हैं चर्च, जहाँ पे मिलेंगे आप पता नहीं ट्राइब्स के लोग, जिनके नोज में वो प्रेसिंग वगैरह होती है, ऐसे वो सब चीज़ें। और संडे को यूजुअली ये आप पता नहीं ट्राइब के लोग सारे चर्च में आते हैं। कौन सा ये वाला? ये कैथोलिक चर्च? अच्छा, पास में ही है ये तो। ये सारा राइस है? ये ऊपर रेड रेड क्या है? ये जो मतलब ये अभी सीजन नहीं ना धान उगने का। हाँ, जिसको गंदा बोलते हैं ना, जो ये सब से ये जो निकले ना, इसका ही अंदर से निकलते हैं। अच्छा, इसके अंदर से निकलता है। डिवाइन मर्सी चर्च। वैसे कितना पुराना है ये चर्च? ये तो बहुत पुराना है, कैथोलिक चर्च है ये तो। जैसे कि हम लोग का जीजस है ना, हाँ वो लोग कुछ और होते हैं। अच्छा, नाम याद नहीं, मेरा पापा को याद है। अच्छा अच्छा, तो आप पता नहीं ट्राइब जो होती है वो मेन क्रिश्चियनिटी को मानती है ना, चर्च। और जो वो दूसरे पता है वो भी आप पता नहीं होते या फिर वो दूसरी होती है? नहीं नहीं, वो भी आप पता नहीं होते। वो आप पता नहीं होते? हाँ, मतलब कि आप पता नहीं दो कैटेगरी की है? हाँ, दो कैटेगरी। एक तो जो चर्च को है, हाँ, जो चर्च के जो क्रिश्चियन में, हाँ, आती है, और एक, हाँ, और एक देनी पोलो। देनी पोलो, हाँ, देनी पोलो, दोनी पोलो, उनके उनके टेम्पल होते हैं। हाँ, उनके अलग से टेम्पल होते हैं। अच्छा, तो अभी हम उस टेम्पल पे जा रहे हैं। हाँ, उस टेम्पल पे जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे भी घरों के नीचे पानी रहता है? हाँ, ये नाला, राइट। अच्छा,
घर सारे घरों के नीचे पानी है? सारे घरों के बोलते नहीं, इसको हम नाला बोलते हैं ना। अच्छा, इसको नाला बोलते हो। ये लकड़ी के घर गर्म रहते हैं? हाँ। ये लापंग बाबू। अच्छा, ये फेस्टिवल में होता है? हाँ, ये मियोको फेस्टिवल जो बोलते हैं ना। हाँ हाँ, ये उधर पे होते हैं। हर एक नया मतलब फेस्टिवल में ये साला नया लगा था। अच्छा, हाँ ये तो ऐसे ही रहते जो अभी हुआ था। हाँ, जो अभी ये बार तो हम लोग आए, हम लोग अभी ये साला चेंज करेगा। अच्छा, हाँ, नया जब नया सीजन आता है ना। हाँ, या पता नहीं में होता है ये। हाँ, या पता नहीं। ओके, ये क्या है? ये तो बैम्बू जंगल है। अच्छा, बैम्बू फॉरेस्ट दोनों साइड। एक बार पीछे चलते हैं, एक आंटी बैठी है, उनकी फोटो लेते हैं। Asking money. Okay, for money? Yeah. Okay, money तो मैंने। उनके पोते तेरे को पैसा आने पैसा तो कुआं का मुआदो का नहीं एक। उनको लग रहा है मैं फॉरनर हूँ, है ना? कि फॉरनर से तो बहुत वो ले जाते हैं ना। तो ऐसे होता है। मेरे को आपके पापा बता रहे थे कि या तो कोई विस्की वगैरह या कुछ शुगर या कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ता है, तभी ये फोटो क्लिक कराते हैं। हाँ, तब तो है ना। हाँ, करवा दीजिए। पैसा मांगते हैं। चलो, 20 रुपए में काम हो गया। ओके, मजा आ गया। तो इसके अंदर चले अब। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हिजा ग्राउंड के सामने। दाहिने पोलो पे आपको ऐसे फ्लैग्स दिखेंगे। और चर्च से तो हम आ गए हैं, वहाँ पे अभी प्रेयर वगैरह चल रही थी, तो इस वजह से हमने अंदर नहीं गए वहाँ पे, और बाहर बाहर से देख के आ गए। और अभी वहाँ पे कुछ स्पीच वगैरह भी चल रही थी, तो इसलिए अभी हम यहाँ पे इनकी सेकंड लोकेशन पे आ गए हैं। यहाँ पे भी अभी अंदर प्रेयर हो रही है, और हमने देखी थोड़ी देर, बस उसके बाद हम वापस बाहर आ गए हैं, और अंदर अभी चल रहा है। आज ठंड बहुत है ना। हाँ। और ठंड नहीं लग रही? हम लग रहे। फिर कैप नहीं पहन के आए? मैं नाम भूल जाता हूँ, क्या नाम था? सांगो। सांगो। सांगो सांगो सांगो। जिप लाइन जैसे और बहुत कुछ है अंदर में। अच्छा, एडवेंचर पार्क है यहाँ पे? यहाँ पे हाँ, ये सीधा पे थोड़ा सा आगे क्या वर्ल्ड हेरिटेज? वर्ल्ड तो नहीं, थोड़ा बड़ा है, पर थोड़ा बड़ा है, पर हेरिटेज है। हाँ, हेरिटेज है। हॉर्स राइडिंग क्या? हॉर्स राइडिंग भी होता है? हाँ, होता है। अच्छा, आपने करी है कभी? हाँ, मैंने एक बार किया था। अच्छा। वो जो आप जो सामने ऊपर देख पा रहे हो पूरी रेड कलर की जो पूरी रूफ है, वो है एडवेंचर पार्क। इसका नाम है हिमालयन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स 0 हेरिटेज पार्क कासा रिजॉर्ट। ये ओल्ड 0 है? अच्छा, यहाँ से पूरा 0 दिखता है। वो क्या है सामने? किधर जाना है? वेलकम दिस वे। यहाँ पे अभी जिप लाइन वगैरह तो बंद है, और बाकी सारी चीज़ें बुल वगैरह एक्टिविटी है वो सब, मैं हमारे वहाँ होता है ये सब तो नॉर्मल है। ठीक है, तो हम अभी ये सब नहीं कर रहे, पर मैं हमने आपको ये बता दिया कि यहाँ पे ऐसा एक एडवेंचर टाइम एडवेंचर पार्क है, जिसका नाम क्या था? कासा रिजॉर्ट।
और यहाँ की एंट्री फी है 100 रुपी। और उस लेक का क्या नाम है? वो वाला लेक है ना, हाँ। उसका सी है, ये वाला सी है लेक है। उसका क्या है? सी लेक, SII। SII, हाँ। सी लेक, हाँ। अच्छा, तो हम अभी सी लेक पे जा रहे हैं पहले, हाँ। हर जगह यहाँ पे ना राइस की क्रॉप्स होती है सारी जगह, अभी पर सीजन नहीं है तो इसीलिए क्रॉप्स नहीं है। यहाँ से लेफ्ट में है हॉन्ग विलेज, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपातानी ट्राइब मिलती हैं, और एशिया की सबसे लार्जेस्ट विलेज है ये। हॉन्ग का बोर्ड आ गया, हॉन्ग। इधर भी एक दैनी पोलो का मंदिर है हॉन्ग विलेज का, जैसे हमारे वहाँ पे था मिची में, यहाँ पे हॉन्ग विलेज का है। तो ऐसे दो कम्युनिटी हैं टोटल लापतानी में, एक दैनी पोलो को फॉलो करते हैं और एक क्रिश्चियन चर्च को, क्रिश्चियनिटी को, जीसस कुछ भी कह सकते हो। इन घरों में सारे लोग रहते हैं इनमें? चावल वगैरह रखते हो? हाँ, स्टोर रूम है ये? हाँ, स्टोर रूम जैसे ही। और वैसे तुम आप क्या बोलते हो? नेसू। हाँ, पता नहीं, नेसू। अच्छा नेसू, हाँ। ये आपके ये भी जाई से सारा? हाँ, होते ना। हाँ, धान को यहाँ पे रखते हो? हाँ। तो ये अलग अलग आपने बना रखे हैं? हाँ। अपने घर से दूर? हाँ, अपने घर से दूर। हाँ। अच्छा, जंगल में भी बना देते हैं? अच्छा, जंगल में भी है? हाँ, यहाँ पे बनाते हैं। हाँ, कौन सा ब्री फेस्टिवल? BRII। अच्छा, ब्री फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है जून और जुलाई में। जुलाई में उसमें क्या होता है? अच्छा, हर बस्ती से लोग आते हैं, डांस वगैरह करते हैं, अपना कल्चर के सारी ड्रेसेस वगैरह पहनते हैं, आप पता नहीं लोग। हाँ, आ गया बोर्ड सी लेक। हम जो उस उधर बोल रहा था ना, वो तो इसका कंपेयर में बहुत छोटा है। उस वो बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है। हाँ, अच्छा, यहाँ पे ठीक होगा क्या आपके लिए? ड्रोन उड़ाने यहाँ भी उड़ा लेंगे, वहाँ भी उड़ा लेंगे। हाँ ठीक है। का फेमस फूड क्या है? जीरा के फेमस मोमो ही है, वो एक तो नेपाली आंटी वो हमें सेल करते हैं, उसका मोमो टेस्टी है। टेस्टी है? हाँ। तो अभी चलेंगे खाने और तो हमने क्या, हमको मोमो ही ठीक लगते हैं। अच्छा, मोमो ठीक लगते हैं। आप भी मोमो ही खाते हो? हम भी, हाँ, मोमो ही खाते हैं। अच्छा, और ऑथेंटिक क्या है यहाँ पे? ऑथेंटिक, हाँ, ऑथेंटिक इन द सेंस कि घर पे जो खाते हो सबसे ज़्यादा? घर पे सबसे ज़्यादा बॉइल्ड सब्जी। बॉइल्ड सब्जी सारी? हाँ, ग्रीन। जो मैंने कल खाया, हाँ, ग्रीन्स जो रात को डिनर में था। हाँ, वो वाला वही? हाँ, ग्यामा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ग्यामा। हाँ। अच्छा, उस किस चीज़ को बोलते हैं ग्यामा? पूरे फूड को? हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो ग्रीन वाला जो लीव्स था ना। अच्छा, जो ग्रीन वाला जो आपकी मम्मी काट रही थी? हाँ हाँ, वो आलू के साथ? आलू के साथ, हाँ। ग्यामा, हाँ, ग्यामा। यहाँ पे अलग अलग तरीके की बोटिंग होती है, लाइक पैडलिंग वाली, स्पीड बोट, और थोड़ी बड़ी भी होती है जैसे पूरी फैमिली जिसमें चले जाए, और जो यहाँ पे खड़ी हुई है। और यहाँ पे एंट्री टिकट है, और हमने देख लिया ड्रोन से ऊपर से सारी पूरी की पूरी लेक देख ली है। तो ज़्यादा इतनी बड़ी नहीं है, पर ये यहाँ की सबसे बड़ी है, और ठीक है, अच्छा है जो कुछ भी है। और यहाँ पे थोड़ा सा ड्रोन की थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि पास ही में एयरपोर्ट है, तो ये ऑरेंज जोन के अंदर आता है। और बाकी अभी हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर जा रहे हैं, वो कहाँ पे? ब्री फील्ड। हाँ, ब्री। अच्छा, जो अभी आया था ना रास्ते में, ब्री विलेज, BII RII। हाँ, है ना, ब्री विलेज की ब्री फील्ड में जा रहे हैं, वहाँ पे जाके ड्रोन फ्लाई करेंगे ना। हाँ, क्या नाम था ब्री फील्ड का? आपका क्या नाम था? सांगो। सांगो, मैं नाम भूल जाता हूँ बार बार। तो चलते हैं फिर अब वहाँ पे, है ना। हाँ। मजा आया? हाँ, अच्छा लग रहा है घूम के मेरे साथ या नहीं लग रहा? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। उस रेस्टोरेंट में लेक से पानी जा रहा है ना। चलो, ये किस चीज के पेड़ है? कीवी के हैं? कीवी ऐसे उगती है? म्यूजिक फेस्टिवल जो यहाँ ही होता है। अच्छा, म्यूजिक फेस्टिवल यहीं पे होता है? ये वही वाले जगह है? ओके, तो सबसे बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल भी तो यहीं पे होता है ना, जीरो में।
सो हमने अभी यहाँ पे एक घंटा तो लगाया होगा ना, है ना? हाँ, एक घंटा यहाँ पे अपना ड्रोन वगैरह फ्लाई करा, वीडियोस बनाई, मज़ा आया। अभी हम जा रहे हैं मोमोज खाने या फिर नेचुरल शिवलिंग पे, इन दोनों में से एक स्पॉट पे पहले। बस फिर डैट्स ऑल फॉर टुडे। उसके बाद भैया जब आएंगे तो भैया बताएंगे आगे का। हम दोनों का तो इतना कहानी हो गई ख़त्म। फिर हम घर चले जाएँगे खाना वाना खा के। वो बंद है? वो बंद है। ओ, पीछे था रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट आज बंद है क्योंकि आज संडे है। शिवलिंग की राइड पूरी प्रॉपर माउंटेन्स की है, यहाँ से 8 किलोमीटर है, 20 मिनट्स का और रास्ता है अभी। ओके, सो यहाँ से दो रास्ते जाएंगे, आपको नीचे वाले में जाना है, ऊपर वाले में नहीं जाना। हम कन्फ्यूज हो गए थे तो उन बच्चों ने बता दिया, वहाँ पे बैठे हुए थे दो। सिद्धेश्वर, श्री सिद्धेश्वर नाथ टेम्पल। यहाँ पे है ये शिवलिंग, अराउंड 20 फीट इसकी हाइट होगी मेरे ख्याल से, तो नहीं तो 15 फीट तो आराम से है, काफ़ी बड़ा है भाई। और यहाँ पे नंदी जी हैं, यहाँ पे एक छोटे भी हैं, छोटा और भी हैं, काफ़ी सारे हैं। ओके, सो इस टेंपल की हिस्ट्री तो हमें पता नहीं है, वो तो देख के हम घर पे जाके बता पाएंगे, इसको भी नहीं पता है बिल्कुल भी। और घंटी बजा देते हैं। और ये जो शिवलिंग है, आपने जितने भी शिवलिंग देखे होंगे, इससे पहले मैं आसाम वाले शिवलिंग में गया था जो 126 फीट का था, वो वाला तो देखो मैन मेड था, आदि योगी मैन मेड है वहाँ पर जो शिव जी हैं, पर ये नेचुरल है इतना बड़ा। और मेरे ख्याल से ये काफ़ी बड़ा शिवलिंग है, मेरे ख्याल से ये यहाँ का सबसे बड़ा शिवलिंग है। ये सब कुछ मेरे को एक बार आपको देख के ही बताना होगा, तो एक बार पहुँचते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर घर पे पहुँच के, मतलब होम स्टे पे पहुँच के, और फिर सारी बातें बताएंगे इसके बारे में। बाकी अभी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत तेज ठंड लग रही है। इसने भी आखिरकार टोपी अपनी डाल ही ली है, वो भी आधी। इसको बांध लेना, हाँ ठंड नहीं लगेगी। इसकी भी हो गई है अब हालत ख़राब। अब अगर किसी को शिवलिंग पे आना है तो रास्ते थोड़े से स्टीप हैं, वो आप थोड़ा सा देख लेना। माउंटेन अगर राइडर हो या ड्राइवर बढ़िया तो ठीक है, नहीं तो थोड़े से स्टीप हैं, आपको बहुत ऊंचाई से एकदम से चढ़ना पड़ेगा। गूगल मैप थोड़ा सा गलत दिखाएगा, 5 किलोमीटर फालतू उतना नहीं है, ठीक है पहले ही आ जाएगा, तो इतना पैनिक मत होना और इतना ज़्यादा मतलब कि खुद को एग्जॉस्टिव फील मत करना कि इतनी दूर है। बाकी जिस शॉप से हमें अभी मोमोज खाने थे वो तो बंद थी। गैम्बो, यहाँ गया मेरा अंडा पराठा। इसका प्लेन है, प्लेन। ये अंडा नहीं खाता, ये मेंढक खाता है। और क्या खाता है? चूहा खाता है। खाता ना मछली? मछली आ गया इसका भी। चूहा भी खाता है ना?
नहीं, हम चूहा नहीं खाते। मेंढक? हाँ मेंढक खाते। मेंढक खाते हो? ओके सो यू आर बैक टू होम। सो मैं जब आया था तब मैं आते ही सो गया था, अभी 5:26 हो चुके हैं और मैंने शिवलिंग के बारे में थोड़ा सा देखा पढ़ा। शिवलिंग जो था ये नेचुरल शिवलिंग है, 25 फीट हाइट है इसकी, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट शिवलिंग है और जो कि हमारे जीरो में है, जीरो से अराउंड जो कि मेन डिस्ट्रिक्ट से 4 किलोमीटर ऊपर बाहर थोड़ा सा निकल के रिमोट लोकेशन है, थोड़ी सी जो थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया में है। अभी तक भैया नहीं आया बाहर, अभी अंधेरा हो चुका है और पता नहीं अभी भैया कब आएंगे, कब मैं भैया से मिलूंगा, क्योंकि अभी मेरे को पोर्ट्रेट्स लेने थे भैया के साथ जाके। तो शुक्र है कि मैंने दिन में जाके थोड़े वो 3-4 पोर्ट्रेट्स लिए, या पता नहीं ट्राइब्स के साथ जो भी, या पता नहीं ट्राइब्स की जो वेमेंस थी जिनके नाक में ऐसे प्रेसिंग हो रखी थी नोज में, तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को सारी चीज़ें। बट यहाँ पर अगर आपको उन विलेज में जाना है और उनके पास जाके अगर पिक्चर्स क्लिक करनी है तो आपको उनके लिए कुछ लेके जाना होता है एज अ गिफ्ट, तभी वो पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराने के लिए रेडी होते हैं। और तो ज़्यादा कुछ है नहीं, अभी हम डिनर वगैरह करेंगे, सारी चीज़ें अभी मेरे को पता नहीं है। आज मैं देखूंगा कि मेरा प्लान यहाँ पे आगे और एक्सटेंड करने का है या मेरा प्लान कल यहाँ से मेरे को अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जाने का है। तो बाकी मेरे कुछ चांसेस हैं कि मैं यहाँ से कल निकल जाऊँगा, जहाँ तक है वो जो हाँ जी। यहाँ पे सब कुछ बॉइल्ड होता है बिल्कुल, ये देख ये लोकल स्पिनिच है। अच्छा हाँ ये देखो, इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताओ ना। मंकी का कब मारते हो वैसे, कब रखते हो? आउट ऑफ 33 मेजर ट्राइब्स में से आपतन एक जाति है, हम लोग बंदर से ही शुरू करते हैं पूजा ना। अच्छा फेस्टिवल है जो फेस्टिवल होता है। हाँ म्योको फेस्टिवल होता है, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। वी आर ऑलरेडी समिटेड फॉर द इनटू द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ना। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? हाँ अभी तक तो कुछ रिप्लाई नहीं आया। 7 मंथ्स अच्छा फेस्टिवल होता है ये बार हमारा थान है। सो जीरो वैली इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। ओके एवरी 3 इयर्स इट्स लाइक रोटेशन यू नो। So this year, 2024 March is my turn, including another 3 villages. So our गांव में अभी एक बंदर मारा हुआ है। ऐसे तो मीट का तो ओनली लास्ट सेप्टेम्बर 27 को हम लोग हंट किया था। मीट को तो पूरा खा दिया। अच्छा अभी माटा स्कल हाथ दो पैर को एकदम सेफली एकदम जगह में रखा है। अच्छा उसको फिर 23rd इवनिंग को इस काल को घार के हम लोग उसको जिप जिंदा करते हैं और वो फिर से जिंदा भी हो जाता है। कुछ पूजा वगैरह होती है? हाँ चैंटिंग होता है सामान से। अच्छा चैंटिंग होती है? हाँ जीरो वैली द लैंड ऑफ रिचुअल्स यू नो, लैंड ऑफ शामन, वे वे शामन। हाँ अपने हिंदू में जो पुजारी होते हैं ऐसा नहीं है, शामन ही शामन, चैंटिंग करके उसको जिंदा कराते हैं। अच्छा और हाथ पैर जो उसको जो लास्ट डे ऑफ द फेस्टिवल ना 20 अप्रैल एट नाइट उसको दफना जाता है अंदर में ना, गाड़ते हैं जमीन में हाथ छेड़ को अपना अपना, वो भी सेक्रेट रिचुअल प्लेस है, आपको कल हम दिखा सकता हूँ। फिर वो जिंदा हो जाता है? नहीं वो जैसे गाड़ता है इस काल को हम लोग 23rd मार्च को जिंदा उसको ये करते हैं। अच्छा पहले जिंदा करोगे फिर गाड़ दोगे? लास्ट में एंड ऑफ द फेस्टिवल में ना उसको गाड़ता है। अच्छा उसको फिर से मार दोगे? हाँ अच्छा मैंने आप चला जाओ ना अभी खत्म हो गया। अच्छा पर वो जिंदा हो जाता है? हाँ होता है। ये तो मिरेकल है, मिरेकल है। मेरे पास फुटेज है। फुटेज है अभी ये नहीं है वैसे, आप कैसे नहीं होता है ये जीना होना पड़ेगा। अभी आदमी लोग हमको मेरा फुटेज को लाख के लिए हमको तो बोल रहे हैं नहीं हम नहीं देगा। अच्छा अच्छा वो फुटेज नहीं देगा लोग के लिए, हम रहेगा प्रीमियम दिखाएगा एक बार। अच्छा नहीं आप सब पास 15-20 ईयर्स ना, हाँ मेरे पास भी तो फुटेज है। अच्छा क्या बोला? पर आप किसी को देते नहीं हो? नहीं हम किसी को नहीं देते वो, क्योंकि वो आपका रिलीजन है, आपका कल्चर है। देगा वो से अपने बिक्री करने वाला नहीं है, लेकिन बिल्कुल एक दिन हम फ्री में दिखाएगा। अच्छा एक दिन वो एक दिन आपकी मर्जी से होगा? हाँ मर्जी से, हेरिटेज में दिखाएगा, हेरिटेज में। ये इसका पास खत्म होने वाला हमको मालूम है, इसीलिए 19 ईयर से मैं वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर रहा हूँ। मतलब आपके पास सब कुछ विद प्रूफ है? सब प्रूफ है, पूरा वीडियो का फोटो के साथ में प्रूफ है, एविडेंस है। ये तो लाइफ का सही में मेरे कर रहे ऐसा है।
कि आप किसी को ऐसे जिंदा कर रहे हो? हम लोग बारिश भी बुला सकते हैं, बारिश को बंद भी करते हैं, बारिश को भी बंद भी कर देते हो, बुला भी लेते हो? बुला भी देते हैं। ओ राइट है, ये जुलाई में होते हैं। हाँ ओ राइट है, वो राइट है। जब वो जमाना में पहले के तो एनी प्लेन में नहीं आएगा, इवन इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ाएगा, इवन स्कूल में ये बेल भी नहीं बजाएगा। अच्छा, ऐसा इसके पास पूरा डॉक्यूमेंट्स, पूरी डॉक्यूमेंट्री कर रखी है इसके पास है। अच्छा, कल पता चला आपने जब बताया था कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और एक और, एक और साइट, एक और भी है, तेम्बांग दो जगह को चुना गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, और दिस साइड में अभी ये किया है। दिस नॉट फॉर एनी अदर थिंग्स, जस्ट फॉर यूनिक लैंडस्केप एंड रिच कल्चर। ओके, यूनिक लैंडस्केप एंड रिच कल्चर, इसका वजह से यूनेस्को में ये रिसर्च में आया है। बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है। एक दिन में आया ऐसी बात नहीं है, हमें बहुत सारा देखने का सुनने का ये बहुत है। पहले खाना खा लेते हैं। बहुत सारी कहानियां हैं।